बड़ी खबर जिला रुदौली से सामने आ रही है। रुदौली तहसील क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सरयू नदी के बढ़ते जल स्तर से तराई क्षेत्र का डीएम नीतीश कुमार, एडीएम वित्त व राजस्व एसडीएम रुदौली स्वप्रिल यादव, तहसीलदार रुदौली प्रज्ञा सिंह, सीएचसी रुदौली अधीक्षक डॉक्टर मदन बर्नवाल व तहसील स्तरीय प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बाढ़ प्रभावित ग्राम सलाहपुर, कैथी, मांझा, महंगुका, पुरवा सहित कई गांवों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम नीतीश कुमार ने बताया कि ये क्षेत्र में सरयू नदी के जलस्तर अभी ज्यादा प्रभावित नहीं है। यहां सबसे ज्यादा गन्ना बोया हुआ है और धान की भी फसल लगी हुई है। अभी फसलों का कोई नुकसान नहीं हुआ है। अधिकारियों को ये निर्देश दे दिया गया है कि अगर फसलों को नुकसान होता है तो उसका परीक्षण करके सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि बाढ़ प्रभावित गांव कैथी के लिए 3 गांवों की व्यवस्था की गई है। जरूरत पड़ने पर और नावों की व्यवस्था की जाएगी। जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि हमारी बाढ़ चौकी स्थापित है। स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग व पशुपालन विभाग की टीम मौजूद है। जरूरत पड़ने पर सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने बताया कि हम लोग एक अभियान के तहत आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं, जिसका सूची में नाम है, वह लोग इसका लाभ उठाएं और जिनका अंत्योदय कार्ड है और जिनका श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन है, वह लोग आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं, इसका ग्रामीण लाभ उठाएं। डीएम ने बताया कि इसके लिए पंचायत सहायक को मशीन दिया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोग आयुष्मान कार्ड का लाभ उठा सकते हैं। निरीक्षण के दौरान ग्राम प्रधान सहित काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। बता दें कि गांव के रास्ते में पानी भर जाने के कारण बच्चों का स्कूल जाना भी बंद हो गया है। मांगू का पुरवा, कैथी, संडरी, मुजेहिना, पास्ता, माफी खैरी, कोटरा, मांझा, सल्लाहपुर व शाहपुर सहित बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, जहाँ बारिश में बाढ़ का खतरा बना रहता है। यहाँ पे हम लोगों ने दौरा किया है और राजस्व की टीम और पशुपालन विभाग की, स्वास्थ्य विभाग की सभी टीमें हैं और अभी ये क्षेत्र अभी प्रभावित नहीं है उस तरीके का है। और फसलों का है, यहाँ गन्ना की फसल ज़्यादा है और इसमें धान की फसल भी है और अभी नुकसान नहीं हुआ है। हमने ये बोला है कि अगर नुकसान हो तो इसको परीक्षण कर लेंगे और उसके अनुसार अनुमान्य जो मदद है उस दी जाएगी। और नावों की व्यवस्था भी कर दी गई है, कैथी के लिए 3 नाव की व्यवस्था की गई है और अगर अधिक जरूरत होगी तो उसकी व्यवस्था की जाएगी। यहाँ पे पशुपालन विभाग की भी टीम रहेगी और बाढ़ चौकी जो हमारी स्थापित है वहाँ किसी भी तरह की मदद चाहिए होगी तो उसको दिया जाएगा। तो अभी इस तरह की स्थिति बेहतर है। यहाँ पर ग्रामवासी भी लोग हैं और यहाँ पर पानी, जब बारिश हुई है तो खेती में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट भी हुआ है, ये भी एक अच्छी बात है इसमें। तो यहाँ पे और भी व्यवस्था हम लोग देख रहे हैं। अभी हम लोग ने आयुष्मान कार्ड जो बन रहा है, एक अभियान के तौर पे जनपद अयोध्या में हम लोग आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं। तो हमने ग्रामवासियों से कहा है कि आयुष्मान कार्ड का लाभ ले सकते हैं, सब बनवा सकते हैं जिनका भी सूची में नाम है, और अंत्योदय कार्ड जो है उनको भी आयुष्मान कार्ड बन सकता है, जो श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन है उनका भी आयुष्मान कार्ड बन सकता है। तो ग्रामवासी हमारे लाभान्वित हो सकते हैं और हम लोगों ने पंचायत सहायक के माध्यम से एक मशीन दिया है सब लोगों को कि उसके माध्यम से भी ग्रामीण क्षेत्र में ही इन सीतु आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं, तो इसका लाभान्वित हो सकते हैं लोग। और अभी हम लोग पूरा सर्वे करा रहे हैं ग्राम वाइज में कि जो भी दिव्यांग पेंशन है, जो वृद्धावस्था पेंशन है और अन्य पेंशन की योजनाएँ हैं उसको आधार से ऑथेंटिकेट कराना है, लिंक कराना है उसको, तो वो भी कार्य चल रहा है। तो उसको भी हम लोग बताया गया है कि यहाँ पे करेंगे। तो हमारे यहाँ तो ग्रामीण क्षेत्र पे लोग काम करते हैं, हमारे पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, सब टीम लगी हुई है और सभी ग्रामीण क्षेत्र के ही एम्प्लॉई हैं, तो इनको बेहतर तरीके से सामंजस्य स्थापित करके काम करना है।